और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, हमारा यही निवेदन है आपसे। गाँव से कितने किलोमीटर की दूरी पर? आज हम उन्हें भेजा हम सारी खेती बेचा। गुड मॉर्निंग, आज हम जाने वाले हैं शिवालय और हमारे साथ है हमारे दो मौसी के लड़के। तो फ्रेंड आज आपको शिवालय के दर्शन कराते हैं और हमें कीर्ति नगर डांग। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों देखिए आज आपको दिखाने वाले हैं हम बहुत अच्छा व्यू और यहाँ पर एक बंदरिया आ रही है, आपको दिखाते हैं। सीरियसली हमारी प्यारी बंदरिया, ये देखो तुम पीछे छुप गई बंदरिया हमारी प्यारी सिस्टर है और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। इनका गुस्सा हमने काफी टाइम कंट्रोल किया। देखो अभी पता क्या काम करके आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारी बंदरिया। नहीं बंदरिया नहीं, प्यारी बहन। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं शिवालय। तो फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम है, समय कितना हो रहा है 7:36 यू नो, और हम जा रहे हैं शिवालय भगवान के दर्शन करने। आज आपको दिखाया जाएगा यहाँ का व्यू पूरा जितना हमें देखने को मिलेगा। तो वक्त मैंने आप तो दिखे लोग गदेरा और गदेरा बगल में एक मंदिर तौल आपने पुंगड़ा दिखेला खूब सारा सेरा जमुने बिजाम सारी खेती बीचा और पिछले बटियाना से नंबर दगड़ी मौसिया लड़का। तो आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाते हैं हम। चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट। प्यारा खेत है और काफी अच्छा डिजाइन किया है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए रास्ते तो देखिए कितने मस्त बना रखे हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फूल देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे केले के पेड़ देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ठीक सामने आपको हम बहुत अच्छा सा दर्शन कराने वाले। ये देखिए जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शंभु बाबा। तो यही है हमारा शिवालय जो हम पहुंच चुके हैं। देखिए और यहाँ पर देखिए ठीक आपको यहाँ पे पानी का गदेरा देखने को मिलेगा और ये देखिए काफी सुंदर सा नजारा। तो चलते हैं भोले बाबा जी के पास। हे भोले बाबा, हमारे देश की रक्षा करना और हमारे देश में हर एक इंसान को सद्बुद्धि देना। हो चुकी है अभी हमारी पूरी। यहाँ पर है हमारे साथ अमित और अनुज। तो अनुज हमें ये बताइए जो ये मंदिर है आपका शिव जी का मंदिर, ये गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी। ओके, कितना टाइम लग जाता अनुज? 15-20 मिनट। ओके अमित, हमें ये बताओ किस गांव में इस मंदिर के अलावा कोई और भी मंदिर है? अच्छा, कहाँ पे है? हनुमान मंदिर है। अच्छा, वेरी गुड। अनुज हमें ये बताओ कि यहाँ पर इस बार जो ये खेती है सामने, ये जो खेती की गई इतनी सुंदर खेती है यहाँ पे की गई, तो हमें ये बताओ कि इस खेती में इस बार क्या उगाया गया है? राजमी, टमाटर, खीरा, लौकी, भिंडी और केले का पेड़। अच्छा, ये जो आपके पीछे देखने को मिल रहे केले वगैरह के, आम लगते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीजन है। और एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा कि फिर से यहाँ के लोग जो खेती करते हैं वो मतलब मार्केट से सब्जी नहीं लाते होंगे? नहीं लाते होंगे ना, तो घर पे उगाते होंगे। अच्छा, मतलब उनको ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और खेती भी काफ़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो अमित ये बताओ कि खेती आप लोगों की कितनी होगी आपकी? बहुत है, काम करना पड़ता है। अच्छा,
अच्छा, तो काम करना अच्छा लगता है? अच्छा, और ऐसा तो नहीं होता कि कोई जबरदस्ती काम करा रहा है, पढ़ाई वगैरह में दिक्कत नहीं होती होगी? कोई नहीं, गांव के बच्चे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, अच्छी बात है। तो भविष्य में हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई भी करो, साथ में अपने घर वालों की हेल्प भी करो। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है कि आप लोग अभी से हुनहार स्टूडेंट हो, अच्छा बनने की सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो एक मैसेज देना चाहोगे हमारे दोस्तों को कुछ? तो अनुज बताइए, आप कुछ देना चाहते हो शायद? हमें खेती बाड़ी भी करनी चाहिए, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए, इसलिए मम्मी साथ मम्मी लोगों के साथ मदद करती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अमित, आप हमारे दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने माध्यम से? बताइए। हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है और खेत में काम भी करना पड़ता है। जो बच्चे बाहर हैं, जो जिनको काम नहीं मिलता, तो वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। हमारा यही निवेदन है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, अमित, आप दोनों का। आपका जो ये मैसेज है हमारे सारे फ्रेंडों को तक चले जाएगा, उनको अच्छा लगेगा कि गांव में कितनी मेहनत करनी पड़ती है सबको। और फ्रेंड, हमारा भी आपसे निवेदन है कि अमित जी ने जो बताया और अनुज जी ने जो बताया, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि जो गाँव में बच्चे होते हैं उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, खेती बाड़ी सब चीज़ करनी पड़ती है, हल भी होता है, हल लगाने भी चले जाते हैं, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है उनको। और जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे शहरों में रहते हैं, उन बच्चों के लिए हम मैसेज यही देंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उनका सिर्फ एक ही काम होता है, ज़्यादा पढ़ाई करना, स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, ट्यूशन जाना वगैरह वगैरह, जो भी ये चीज़ें होती है। गांव में बच्चे ट्यूशन बहुत कम जाते हैं, उनको ज़्यादा पूरी मेहनत करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा काम भी होता है। तो बच्चे जो शहरों में रहते हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना, ताकि वो अपने मम्मी पापा लोगों के नाम रोशन कर सके, लाइफ में आगे बढ़ सके और ज़िंदगी में आगे उनको कोई भी परेशानी ना हो। यही हम आपसे भी निवेदन करते हैं और इन बच्चों से भी निवेदन करते हैं। फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया, तो अपने जो गढ़वाल के लोग हैं ना, उन तक तो वीडियो जाना चाहिए, साथ में वीडियो आपका और पब्लिक भी होना चाहिए, जैसे कि हमारे बाहर के फ्रेंड होते हैं। इसमें हमने इस बार हिंदी ट्रांसलेट इसलिए की है क्योंकि गढ़वाल में ये है कि गढ़वाल में तो हम गढ़वाली, हमें भी आती है, हमें अच्छा लगता है गढ़वाली बोलना, परंतु इस बार हमारे कई फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि आप जो गढ़वाल में चीज़ें बनाओगे, जो भी मतलब आप फैसिलिटी दिखाओगे, उसको थोड़ा हिंदी में भी कन्वर्ट कर देना। तो हमने सोचा इस बार हिंदी वाला ट्रैवलिंग बना देते हैं, तो ये ट्रैवलिंग का वीडियो हमारा हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, इनको भी हमने हिंदी में ही क्वेश्चन पूछे थे तो इसलिए हिंदी में यूज़ किया। तो गढ़वाली में यही पहुँचा रहा हूँ कि अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आ ली, वीडियो तो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करना। आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? अगर आप वीडियो पसंद आ ली तो लाइक कमेंट शेयर करिए। अमित, आप यही बोलोगे? ठीक है सब, यही कहना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।